मर्यादा पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी, श्री राम जी, श्री बजरंग बली हनुमान जी, श्री बजरंग बली हनुमान जी, माता सीता, माता सीता, एवं अपने पूर्वजों का, एवं अपने पूर्वजों का स्मरण कर, स्मरण कर श्री अयोध्या जी की, श्री अयोध्या जी की पवित्र रज को, पवित्र रज को अपने मस्तक पर धारण करते हैं, धारण करते हैं। हम संकल्प लेते हैं, हम संकल्प लेते हैं प्रभु श्री राम की, प्रभु श्री राम की जन्मभूमि पर, जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण है तो, भव्य मंदिर निर्माण हो तो प्रज्वलित, प्रज्वलित इस अग्नि को शांत नहीं होने देंगे, शांत नहीं होने देंगे। और अपने, और अपने पूज्य संतों द्वारा, अपने पूज्य संतों द्वारा दिखाए गए, दिखाए गए मार्ग पर, मार्ग पर चलकर, चलकर भव्य, भव्य श्री राम मंदिर का निर्माण, निर्माण किसी भी मूल्य पर, किसी भी मूल्य पर करके रहेंगे, करके रहेंगे, करके रहेंगे, करके रहेंगे, करके रहेंगे, करके रहेंगे। धर्म सभा में अभी संकल्प लिया गया है कि सारे लोग मंदिर बनवाएंगे। अब मैं लोगों से बात करता हूं जो लोग इस धर्म सभा से लौट कर जा रहे हैं। क्या संकल्प लिया है आप लोगों ने? इस संत सभा से हम लोगों ने सीख लिया है, हम एक नव चेतना लोगों में जागृत की गई है कि लोग उत्साहपूर्वक इस जन्मभूमि के निर्माण के लिए, अगर ऐसे ही सभा का आयोजन होता रहेगा तो जन्मभूमि का निर्माण जो है शीघ्र होगा। संकल्प तो पहले भी लिया गया है, इस बार संकल्प क्या था? नहीं, संकल्प तो लिया गया है मगर अब जो है शासन को बताया जा रहा है, जो बार बार सुप्रीम कोर्ट में बार बार तारीखें पड़ रही हैं, बार बार इसको मुद्दे को ठंडे बस्ते में डाला जाता है, अभी तक पूर्ण रूप से आया शुरू भी नहीं हुआ है। कौन सी सरकार बनवाएगी? नहीं बनाएगी तो यही सरकार, और कोई दूसरी सरकार बनवा भी इसको नहीं सकती है। बस एक ये मार्ग प्रशस्त हुआ है जो आगे अभी ये उसके निर्माण के लिए बस एक अंतिम चरण में जा लिए, वो हम पहुँच गए हैं। सब कुछ सरकार तो मंदिर बनवाने के बाद तो भाजपा सरकार ही कर रही है, और किसी ने मुद्दे नहीं उठाया। सेना भी कह रही है कि पहले मंदिर फिर सरकार, तो राजनीतिक रोटियां अपना सीखना, राजनीतिक रोटियां सेक रही है शिवसेना। ठीक है, लोग कह रहे हैं कि मंदिर तो भाजपा ही बनवाएगी और धर्मसभा में संकल्प लिया जा चुका है। अखिलेश तिवारी, ईटीवी के लिए अयोध्या से।